पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीपुर पंचायत के दुर्गापुर वार्ड संख्या 8 में बेरहमी से एक महिला की निर्मम हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला 20 वर्षीय फूल कुमारी की शादी एक वर्ष पूर्व भवानीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के आनंद कुमार उर्फ भुवन मंडल के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। पति के द्वारा हत्या करने के बाद ससुराल के सभी लोग घर से फरार हैं। भवानीपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है और महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी सुजीत कुमार ने जब माइक वालों से पूछताछ की तो मृतक के बड़े भाई करण कुमार किशोर ने रोते रोते कहा कि एक साल पूर्व आनंद कुमार उर्फ भुवन मंडल से हिंदू रीति रिवाज के साथ बहन की शादी हुई थी, जिसमें शादी के कुछ महीने के बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए मेरी बहन को ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू किया एवं मेरी बहन को लगातार आनंद के पूरे परिवार वालों ने मिलकर मारपीट किया और आज रात तकरीबन 12 बजे मेरी बहन को बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने आगे कहा कि मेरी बहन के ससुराल से किसी ने मुझे फोन कर इस बात की जानकारी दी कि उसकी बहन की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि महिला मृत अवस्था में पाई गई, वहीं ससुराल वाले सभी लोग कीमती सामान के साथ घर से फरार हो गए। क्या मामला है? मामला यही है कि सिस्टर का शादी हुआ था आनंद के साथ, जो हमको पता नहीं चला क्या क्या विवाद हुआ घर से, तो हम रात में दीदी फोन की थी। मृतक जो मरी है वो फोन की? नहीं नहीं, मेरी बुआ मेरे पापा की बहन तो कॉल की, तो मेरी बुआ रहती है दुर्गापुर में, दो टू बुआ रहती है दुर्गापुर में, तो उस बुआ ब्रह्मणी वाली बुआ को कॉल की, ब्रह्मणी वाली बुआ हमको घर पे कॉल की, घर वाला नंबर से, तो हमको हमको सो रहे थे कि मम्मी बात जगाई और बोली कि ऐसे ऐसे बात, तो हम जगे तो कॉल किए यहाँ, तो कॉल किए तो बताया कि अभी तो ठीक है, तो बोला भी नहीं कि ऐसे ऐसे ज़्यादा सीरियस है, बोला नहीं तो हम सोचे कि ठीक हो गया होगा, तो हम गाड़ी बाइक भी नहीं था मेरे पास, और किसको कॉल किए तो लेट से जगह कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा था, जगह तो गाली दिया, तो हम आए यहाँ, आए तो कोई नहीं था घर पे नहीं था, तो हम आए तो प्रशासन को कॉल किए, प्रशासन जी आए, हाँ भवानीपुर प्रशासन, तो आए तो रिपोर्ट बनाए और तो उन लोग चले गए बाहर, तो क्या आगे समस्या हल कर रहे हैं उन लोग, और पता नहीं चला और दवाई गंद कर रहा है, मार का दाग है काल पे, दवाई क्या मतलब जहर खिलाया गया है, मार के उसको मुंह में जहर किया गया है और उसके मुंह से फेन नहीं चल रहा है। जो मारने का कारण क्या? मारने का कारण तो हम यहाँ रहेंगे प्रेजेंट में तब ना जानेंगे, कुछ पहले से हाँ बताते झगड़ा झोंकी, जब हम इसके घर में शादी किए थे तभी तो एक दो महीना 10-15 रोज ठीक ठाक था समझ लीजिए, तो हमको पता नहीं था कैसा घर का रिलेटिव है, संस्कार है कैसा, पता नहीं चला, सोचे कि ऐसे घर में विवाद होते रहता है, अकेले को आगे बढ़ना चाहिए। दीदी झगड़ा नहीं करिए, केना समय काटबे केना समय काटबे, लोग भी कहे छे कि लड़का के दूगो लड़की रखे छे, अखने ने बोले छे लड़की राखे छे, ब्याह करी के कोई हमरा नहीं कहते, लड़की जो राखे तो जगह चलो अयते अपना बोल बोए थे, जब आदमी के हमरा कोनो दर्शन नहीं देते, ठीक ओकरो मम्मी जे छे हाथ बलत पे सर अदना बात ने किसका मम्मी किसका लड़का जी आनंद का मम्मी अपना बाल जाए सब एक महीना घर में आप चोरी किए कहाँ पे रखे कुछ करे आप इस तरह से बात हो रहा था पहले से बातचीत होता आपको कैसे मालूम चला इस तरह से बात होता है? की मार है।
लोग बोलता था मुँह आप लोग ये लोग मतलब आप लोग से भी लड़का पक्ष जो है लड़ाई झगड़ा करता था लड़का पक्ष आप लोग के सामने में लड़ाई करता था कभी समझा दे रही रोकथाम क्या दे रही लड़का नशा भी करता था लड़का नशा भी करता नशा करे छे की करे छे आजकल के युवा सब ये करे छे बराबर लन छे जब एक बेर बजले रात तो ओकर में मोबाइल तरह चला के हमरा के बोल भले हम सुकल देत न बा दीदी दीदी हमरा नहीं ना दोसर परसी काल के हे हमर मोबाइल लिखबो इसे कहलिए ताकि लिखी बात दे भवन आए संग बोल के की मम्मी बोल कोनो बात ना मम्मी बोल मैं भौस रहे तो टन 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 पिलबै रहे हमरा पूछलिए केना केना भेले की जान गेलै हम पूछन करना छन की जान गेलै हम पूछन करना छन लड़का का परिजन कहाँ है ननिया और मैंने लड़का जो जो हत्या किया है वो सब कहाँ है इसका परिवार कहाँ है परिवार सब कहाँ है मन मत खबर कर लेते सुजीत रे जान के ले गए चलन में कर लिए छी केना रह सब के लिए ले मन को कर लिए मन सब का जो के दोनों के लिए आवाज आईना बोले भैया को ना की शाम हां हां अब हर खबर पर होगी हमारी नजर पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक यू